नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम करने वाले हैं तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से पाठ संख्या 2। और बच्चों, मैं हूँ आपकी अध्यापिका पूजा साहनी। और क्या नाम है आपके पाठ 2 का? समय। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको चित्र पर आधारित गतिविधि दी हुई है। गतिविधि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, इसका मतलब होता है एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उपयुक्त चित्रों को देखो। ये गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम के चित्र हैं। मौसमों के आने का एक समय निश्चित होता है, मतलब समय तय होता है कि इस समय पर यही मौसम होगा। आप बताओ ये मौसम कब आते हैं और कब जाते हैं, इसके लिए आप अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों, ये बच्चा यहाँ पर आइसक्रीम खा रहा है, इसका मतलब ये गर्मी का मौसम है। गर्मी का मौसम कब आता है जी? सही कह रहे हैं आप, मार्च अप्रैल से गर्मियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। मई जून तक गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है और फिर जुलाई में आता है बरसातों का मौसम, मानसून। सो मानसून रहता है जुलाई और अगस्त सितंबर, और उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ठंड जानी शुरू हो जाती है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम करते हैं अपने पाठ में प्रवेश। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखक द्वारा जीवन में समय के महत्व के विषय में बताया जा रहा है कि हमारे जीवन में समय का क्या महत्व है। तो आइए जानते हैं कि लेखक के समय के बारे में क्या विचार है, वो क्या सोचते हैं। चलिए चलते हैं आगे, आइए शुरू करते हैं। आदमी 3 प्रकार के होते हैं। समय पर घर पर ना मिलने वाले, जो कभी समय पर घर पर नहीं मिलते हैं। समय पर किसी के घर ना जाने वाले, जिन्हें कोई आमंत्रण होता है, कोई निमंत्रण दिया जाता है, वो किसी के घर समय पर नहीं जाते हैं, और ना ही समय पर किसी के घर पर मिलने वाले। इसके बाद कुछ मुट्ठी भर जीवधारी बचते हैं। जीवधारी मतलब मनुष्य, जो समय पर घर पर मिलते हैं और समय पर दूसरे के घर भी जाते हैं। जो खुद भी अपने घर समय पर मिलते हैं और उन्हें कहीं बुलाया जाए तो वो दूसरे के घर भी समय पर जाते हैं। सज्जनतावश हम इन्हें भी आदमी कह देते हैं। ये असल में टाइम पीस हैं। ये घर में रहेंगे तो टाइम पीस देखते रहेंगे, मतलब अपनी घड़ी देखते रहेंगे, और बाहर होंगे तो हाथ घड़ी देखते रहेंगे। इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं, इसीलिए इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब बेकार है। चर्चा उनकी करनी है जिन्होंने सुबह 8 बजे घर पर मिलने का वादा किया था। चलिए, अब यहाँ पर लेखक हमें किसी के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने उनसे वादा किया था कि वो उन्हें 8 बजे घर पर मिलेंगे, पर वे घर पर नहीं हैं। हम उनका बैठक में इंतज़ार कर रहे हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ठीक है, हम उनका बैठक में इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा है। शिष्टता का निर्वाह करने के लिए मतलब जब कोई हमारे यहाँ आए तो हमें शिष्टता पूर्वक रिस्पेक्ट देने के लिए उनके साथ बैठना होता है। तो उनका, जिन्होंने लेखक को अपने घर बुलाया है, उनका बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा है। वह बीच बीच में आँख की कोर से हमें देख लेता है, मतलब आँख के साइड से, आँख की कोर से देख लेता है कि हम उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। हम तनाव कम करने के लिए उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं, खेल के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम किसी के घर गए हैं और वहाँ पर कोई बैठा हुआ पढ़ रहा है और जिसने हमें बुलाया है वो घर पर नहीं है, तो हम तनाव कम करने के लिए जो भी हमारे पास बैठा है उनसे बातें करना शुरू कर देंगे। तो वही लेखक ने किया।
वह हमारे सवाल का छोटा सा जवाब देता है और हमें लगता है कि हम बच्चे हैं और बुजुर्ग के सामने बचकानी बकबक कर रहे हैं। मतलब लेखक उस लड़के से जो भी पूछते हैं वो उसका बहुत छोटा सा जवाब देता है, तो लेखक को ऐसा लगता है कि लेखक बच्चा है और वो बुजुर्ग है। कई बार जब हम अपने बुजुर्गों से कोई सवाल करते हैं तो हमें हाँ, हूँ, नहीं, इन सब में ही जवाब मिलता है, तो लेखक को इस टाइम वैसे ही महसूस हो रहा है कि वह बच्चा है और जो लड़का है वो बुजुर्ग की तरह जवाब दे रहा है। चलिए, समाचार पढ़कर विज्ञापन पढ़ने लगते हैं, बीच बीच में पूछ लेते हैं कहाँ गए हैं, मतलब जिन्होंने उन बुलाया है लेखक को उनके बारे में वो लड़के से पूछते हैं कहाँ गए हैं। वह जवाब देता है पता नहीं। कब तक आएंगे, लेखक पूछता है, पता नहीं। कुछ कह गए थे, कुछ नहीं। हम फिर अखबार देखने लगते हैं, ज़रूरी काम है, भीतर औरतें परेशान हैं, उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद है। क्यों उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद है? अब बाहर कोई आदमी आके बैठा है तो औरतें परेशान होंगी, उनका बाहर, वो बाहर नहीं निकल सकती स्वतंत्रता से। पास ही दरवाज़ा है, भीतर से औरतों की बातें सुनाई पड़ती हैं। किसे सुनाई पड़ रही हैं? वो लेखक को सुनाई पड़ती हैं। यह अच्छा है, सवेरे से आकर बैठ गया है, उठने का नाम ही नहीं लेता। अरे, कह दिया कि घर पर नहीं है तो जाता क्यों नहीं है? अंदर औरतें बातें कर रही हैं जो लेखक को सुनाई दे रही हैं। है कौन ये? अरे वही है, क्या नाम है उनका? कुछ काम धाम है नहीं तो यहाँ बैठे वहाँ बैठे। पर इनकी भी तो आदत है कि जिस तिस से कह देते हैं कि घर आना। अब यहाँ ये उनकी बात हो रही है जिन्होंने लेखक को घर पर बुलाया है। हमारा चेहरा लाल हो जाता है। बिल्कुल, अगर हमें अपने बारे में ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी तो हमें गुस्सा तो आएगा। इसी तरह से लेखक को भी गुस्सा आता है और वो कहते हैं हमारा चेहरा लाल हो जाता है, कान की लोरियां जलने लगती हैं, मगर हमें ज़रूरी काम है। आखिर हम उठते हैं, लड़के से कहते हैं अच्छा अब हम जाते हैं, कह देना कि हम आए थे। लड़का बहुत कम खुश होकर नमस्ते करता है और हमें विदा कर देता है। शाम तक वे कहीं मिल जाते हैं। कौन मिल जाते हैं? जिन्होंने लेखक को अपने घर बुलाया था। शाम तक वे कहीं मिल जाते हैं तो चौंक कर कहते हैं अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी ना, मुझे सख्त अफसोस है। अच्छा कल 8 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दूसरे दिन 8 बजे हम फिर पहुँचते हैं। बड़ा लड़का फाटक पर आकर हमारे पूछने के पहले ही कह देता है वे घर में नहीं हैं। फिर लेखक पूछता है कहाँ गए हैं? पता नहीं। कब तक लौटेंगे? पता नहीं। कुछ कह गए हैं? कुछ नहीं। वह फाटक तक इसलिए भागता आया है कि हम वहीं से लौट जाएं, पर हमें काम है और हम खुद फाटक खोलकर भीतर आ जाते हैं। मतलब लेखक कहता है कि वह लड़का फाटक पर, मतलब दरवाजे पर इसीलिए खड़ा था कि हम बाहर से ही चले जाएं, लेकिन लेखक को काम था तो वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते हैं। छोटा लड़का हमें देखकर दरवाजे से ही चिल्लाता हुआ भीतर भागता है, ओ अम्मा वह फिर आ गया। हम बैठक में बैठ जाते हैं, बड़ा लड़का किताब पढ़ने लगता है, हम कल का अखबार पढ़ने लगते हैं। लड़का मुंह छिपाकर हंसता है, छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर हमें देख जाते हैं, भीतर औरतों की बातचीत सुनाई देती है, लो वह तो फिर से आकर बैठ गया। बड़ा मट्ठर आदमी है, कह दिया कि आदमी घर पर नहीं है तो जाकर अपना काम धाम क्यों नहीं देखता। फिर दूसरी औरत कहती है कुछ काम धाम हो तो देखे। सब हंसती हैं। छोटा लड़का सारे परिवार की भावना समझकर दरवाजे पर आकर कहता है ए पापा बाहर गए हैं। हम अनसुना करते हैं, लेखक ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने ये सुना ही नहीं। लड़का फिर कहता है पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का इसे अनुचित समझता है, वह उसे डांटता है ए मुन्ने भाग यहाँ से, चुप। छोटा लड़का भाग जाता है मगर फिर आता है, पापा बाहर गए हैं। ए मुन्ने चुप, चांटा खाएगा, ये बड़ा लड़का कहता है। मुन्ने को अब इस खेल में मज़ा आने लगा है।
दरवाजे पर आकर बार बार कहता है, पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का उसे डांटता है तो वह खिलखिलाकर ताली बजाता हुआ भीतर भाग जाता है। फिर आता है, हम उठते हैं, कहते हैं, पता नहीं वे कब आएंगे, अच्छा हम चलते हैं। बड़ा लड़का बहुत खुश होता है। जब फाटक बंद करने के लिए हम मुड़ते हैं तो देखते हैं कि लगभग सारा परिवार खिड़की और दरवाजे पर है और बड़ी दिलचस्पी से हमें जाते देख रहा है। मतलब सब खुश हो रहे हैं कि चलो ये यहाँ से गया। इतनी तपस्या के बाद अगर वे कभी घर पर मिल गए तो लगता है कि भगवान को पा लिया। जो लोग समय तय करके भी घर पर नहीं मिलते हैं वे मुझे भगवान के एजेंट मालूम होते हैं। तो लेखक यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो लोग समय तय कर भी घर पर नहीं मिलते उसे ऐसा लगता है कि ये तो भगवान के एजेंट है, क्योंकि भगवान भी एकदम से नहीं मिलते, उनको पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए भी बहुत जन्मों का इंतज़ार करना पड़ता है। वे हमें अभ्यास कराते हैं कि कैसे बिना ऊबे अवमानना की अवहेलना करके अनिश्चित काल तक के लिए किसी के दरवाजे पर इंतज़ार किया जाता है। भगवान के दरवाजे पर तो कई जन्म इंतज़ार करना पड़ता है, अगर इधर कुछ अभ्यास हो गया तो उधर आसानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि इंतज़ार से प्रेम बढ़ता है, हर क्षण वही मन में रहता है और आंखें फाटक पर बिछी रहती हैं। यहाँ पर भी लेखक इस चीज़ में हास्य रस डालने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के लोग जो समय पर नहीं मिलते किसी को बुलाकर घर पर, वो उन्हें भगवान के एजेंट मालूम होते हैं। ऐसा लगता है वो मानो उन्हें अभ्यास करा रहे हों कि भगवान से भी तो मिलना है, उनके लिए भी तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ना। और दूसरी बात वो कहते हैं कि इंतज़ार से प्रेम बढ़ता है। जिसका हमें इंतज़ार हो, जब तक हमें वो नहीं मिलता हमारा ध्यान उन्हीं की तरफ रहता है, हमारी आंखें दरवाजे पर ही लगी रहती हैं कि वो अब आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रेम का ज्ञान इसी बात से तो होता है कि कौन आपका कितनी देर इंतज़ार करता है। मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं मिलने का समय तय कर लेता हूँ, पर उस वक्त हरगिज़ उनके घर नहीं जाता। यह निश्चित है कि वे घर पर नहीं होंगे। अब लेखक को सीख मिल गई इस चीज़ से, तो उन्होंने कहा अब जिस टाइम वो बुलाते हैं मैं उस समय नहीं जाता, क्योंकि ये निश्चित है कि वे घर पर नहीं होंगे। समय की पाबंदी के लिए जितनी सावधानी चाहिए उससे कम कभी समय पर ना मिलने के लिए चाहिए। मैं उनके घर ऐसे वक्त जाता हूँ जब उनके मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं हो और वे मिल जाते हैं। वे किसी कमेटी के सदस्य हैं जिसकी बैठक में उन्हें होना चाहिए, मगर उस वक्त वे घर पर मिल जाएंगे। तो अब लेखक को समझ आ गया है कि जिस समय इनकी संभावना बहुत कम हो के ये घर पर मिलेंगे, उसी समय जाओ, उसी समय ये मिलेंगे, क्योंकि वो समय ऐसा होगा जब उन्हें कहीं और होना चाहिए, लेकिन वो समय पर तो नहीं पहुंचते, क्योंकि उन्हें समय की महत्वपूर्णता नहीं पता है कि समय कितना महत्वपूर्ण होता है। जब मेरा उनसे नया परिचय था, मतलब जान पहचान थी और कुछ औपचारिकताएं बाकी थी, तब उन्होंने मुझे दूसरे दिन 11 बजे खाने पर बुलाया। मैं ठीक 11 बजे पहुंच गया। मालूम हुआ कि वे घर पर नहीं हैं, आते ही होंगे यह सोचकर मैं बैठ गया। 12 बज गए तो मैंने उनके लड़के से पूछा, कहाँ गए हैं? उसने कहा, कुछ पता नहीं है। कब आएंगे? कुछ बता गए हैं? तब लड़के ने कहा, नहीं। मैं बैठा रहा। जब 1 बज गया तब लड़के ने कहा, आपको कुछ ज़रूरी काम होगा। मैं उसे कैसे बताता कि क्या काम है। मैं अलबत्ता इतना समझ गया कि इस परिवार में मेरे लिए भोजन का कोई प्रबंध नहीं है। तो लेखक को समझ आ गया, बुलाया तो मुझे भोजन पर है, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा कि भोजन का प्रबंध है। मैं थोड़ी देर और बैठकर उठ गया। शाम को मुझे मालूम हुआ कि जब मैं उनके घर बैठा था तब वे खुद दूसरे के घर भोजन कर रहे थे। मुझे मिले तो बहुत दुखी हुए, कहने लगे, अरे बड़ी गलती हो गई, मैं भूल ही गया,
फलां के यहाँ बैठा था, फलां मतलब किसी के यहाँ बैठा था, उन्होंने बहुत जोर दिया तो मैंने वहीं खाना खा लिया। अच्छा अब कल ज़रूर आ जाओ। कई सालों के उनके साथ के अनुभवों से मैंने सावधानी की दीवार अपने आसपास खड़ी कर ली थी। मतलब जिस समय वो कहें आ जाओ मैं उस समय नहीं जाता था, और कब जाता था, जब उनके मिलने की संभावना बहुत कम होती थी और वो मिल जाते थे। वे जिस वक्त घर पर मिलने का वादा करते उस वक्त मैं कभी नहीं जाता, और जब वे मेरे घर आने की बात तय करते तब मैं बेखटके बाहर घूमता। मुझे विश्वास था कि वे उस वक्त नहीं आएंगे। उन्होंने शाम को 7 बजे आने को कहा है तो सुबह 8 बजे तक भी आ सकते हैं। वे घर से इधर आने के लिए ही निकलेंगे, पर रास्ते में जो मिल जाएगा उसी के हो जाएंगे। मतलब कोई और मिल जाएगा तो वो भूल जाएंगे कि उन्होंने कहाँ जाना था, वो उसी के साथ चल देंगे, उससे बातें करने लगेंगे, उसके घर चले जाएंगे, वहाँ खाना खा लेंगे, और तब उन्हें याद आएगा कि किसी से मिलने का वक्त तय किया था। वे हड़बड़ाकर भागेंगे, पर रास्ते में कोई मिल गया तो उसी के साथ हो लेंगे। लेकिन कई सालों बाद मेरी सावधानी की दीवार फिर टूट गई। मतलब एक बार फिर लेखक को धोखा हो गया, वो गलती से तय समय पर चला गया अपने मित्र के घर। हमारे एक मित्र का तबादला हो गया। मित्र से उनके भी अच्छे संबंध थे, मिले तो भावुक हो उठे। अरे अब न जाने कब मिलना होता है, इतनी दूर चले जाओगे, कब जा रहे हो? मित्र ने तारीख बताई। वे बोले तो कल शाम को हमारे साथ भोजन करो, तुम और परसाई दोनों आ जाओ। परसाई यहाँ पर लेखक की बात हो रही है। देखो भूलना मत, मैं राह देखूंगा। मेरे मन में खटका तो हुआ, पर उस भावुकता और आत्मीयता के सामने मैं भी गाफिल हो गया। मतलब लेखक उनकी बातों में आ गया। दूसरे दिन शाम को हम उनके घर पहुँचे, वे घर पर नहीं थे। हम दोनों अब सचेत हो गए। मित्र ने कहा, यार उन्हें जानते हुए भी तुमने कल हाँ कह दिया। मैंने कहा, निमंत्रण तो तुम्हारा था, मैं बाधक क्यों बनता? उसने कहा, लेकिन हम आ क्यों गए? हाँ कह देते पर आते नहीं। मैंने कहा, पर उन्होंने भोजन का प्रबंध करवा लिया हो तो फिर ना आना कितना बुरा होता। उसने कहा, कहाँ प्रबंध करवाया होगा यार, लड़के से पूछ लो ना। मैंने लड़के से पूछा, क्यों वे कुछ कह गए हैं? वह बोला, जी नहीं वे तो कुछ नहीं कह गए हैं। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और उठ खड़े हुए। रास्ते में किसी ने बताया कि वे अमुक जगह बैठे हैं, हम वहाँ पहुँचे। इससे पहले कि मैं उनसे शिकायत करूँ, वे उस मित्र से बोले, तो कब जा रहे हो? देखो भाई, जाने से पहले हमारे साथ भोजन जरूर करना। बोलो कब आ रहे हो? कल शाम को ही आ जाओ। वे इस तरह बोले जैसे उन्हें तबादले का समाचार अभी मिला है। उन्हें तो पता था ना कि उसका तबादला हो रहा है, तभी भोजन के लिए बुलाया था। लेकिन दोबारा मिलने पर वो ऐसे बोले जैसे उन्हें अभी तबादले का समाचार मिला है। हम अब पूरी तरह रक्षा के लिए तैयार थे। मित्र ने कहा, आजकल मेरा बिल्कुल अनिश्चित है, इसीलिए समय तय करना ठीक नहीं होगा। मैं किसी भी दिन आ जाऊँगा। वे बोले, हाँ हाँ कभी भी आ जाओ, तुम्हारा ही तो घर है और मैं तो हमेशा घर पर ही रहता हूँ। ऐसे लोगों की निंदा भी होती है कि वे समय का कोई ध्यान नहीं रखते और अपना तथा दूसरे का वक्त खराब करते हैं। होता है ना ऐसा कि जो लोग ऐसा करते हैं, अपने घर बुलाकर घर पर नहीं मिलते या कहीं कहने का आकर वहाँ समय पर नहीं पहुँचते, तो उन लोगों की निंदा होती है, बुराई होती है कि वे समय पर का कोई ध्यान नहीं रखते और अपना और दूसरे का वक्त खराब करते हैं। पर लेखक कहते हैं, पर मेरा मत दूसरा है। मतलब मेरा मानना कुछ और है। ऐसे लोग ज्ञानी हैं, वो जानते हैं कि काम अनंत है। अनंत मतलब जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जिसका अंत ना हो, और आत्मा अमर है। जल्दी वे करें और समय का ध्यान वे रखें जिनकी उम्र 50-60 वर्ष की होती है। हमारी उम्र तो करोड़ों साल है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। जो काम इस जन्म में पूरे नहीं हुए उन्हें अगले जन्म में पूरे कर लेंगे या उसके बाद वाले जन्मों में। इस बार आत्मा ने मनुष्य का चोला लिया है,
अगली बार वह मेंढक का चोला भी ले सकती है, तब मेंढक के रूप में हम वे काम पूरे कर लेंगे जो आदमी के रूप में पूरे नहीं कर पाए, जल्दी क्या है। तो लेखक ने यहाँ पर दूसरों का और अपना भी समय खराब करने वालों के लिए एक व्यंग्य कसा है कि समय की बचत करना या समय की कद्र करना क्या ज़रूरी है। एक जन्म लिया है और जन्म लेंगे, करोड़ों साल जीना है क्योंकि आत्मा अमर है। तो यहाँ पर लेखक उन लोगों पर जो समय की बर्बादी करते हैं उन पर व्यंग्य कर रहे हैं, और इस लेख के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। चलिए आगे चलते हैं। कठिन शब्द हैं बच्चों यहाँ पर, जिन्हें आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे। मैं आपको एक बार इन्हें पढ़कर बता देती हूँ। जीवधारी, सज्जनता, टाइम पीस, हाथ घड़ी, बर्दाश्त, शिष्टता, निर्वाह, तनाव, बचकानी, विज्ञापन, स्वतंत्रता, लोरी, अफसोस, मट्ठर, अनसुना, अनुचित, अभ्यास, अवमानना, अवहेलना, पाबंदी, सदस्य, औपचारिकताएं, अलबत्ता, बेखटके, परसाई, आत्मीयता और अनंत। तो बच्चों ये सारे कठिन शब्द आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने हैं। अब हमारे पास है शब्दार्थ। समय, वक्त, अनुचित, अयोग्य, गलत, घर, मकान, मज़ा का मतलब होता है बच्चों आनंद, जीवधारी, सजीव, जो जिंदा हो, जिसमें जीवन हो, दिलचस्पी, रुचि, सज्जनता, शालीनता, एजेंट, प्रतिनिधि, बर्दाश्त, सहनशीलता, अभ्यास, साधना, चर्चा, बातचीत करना, अवमानना, तिरस्कार, अपमान, शिष्टता, आदर से या विनम्रता, अवहेलना, उपेक्षा करना, निर्वाह, गुजर बसर, सावधानी, ध्यानपूर्वक, तनाव, अवसाद, खिन्नता, मतलब जब हमें खिन्नता चढ़ रही हो, तनाव चढ़ रहा हो, हर बात पे गुस्सा आ रहा हो, दुख हो रहा हो, तो वो होती है अवसाद की स्थिति, तनाव की स्थिति, संभावना, अनुमान, विज्ञापन, सूचना, प्रचार भी कहते हैं विज्ञापन को, परिचय, भूमिका, जवाब, उत्तर, औपचारिकता, प्रचलित नियम, परेशान, व्याकुल, प्रबंध, व्यवस्था, अफसोस, दुख, अनुभव, तजुर्बा, इंतज़ार, प्रतीक्षा, तबादला, बदली, फाटक, दरवाज़ा, द्वार, आत्मीयता, अपनापन, मट्ठर, ढीला, शिकायत, अभियोग, मतलब कंप्लेंट, शिकायत हम कहते हैं अभियोग को, रक्षा, संरक्षण। तो ये सारे शब्दार्थ हैं बच्चों जो आपको याद करने हैं, तो आपको इन्हें याद भी करने हैं और अपनी पाठ्य पुस्तिका में इन्हें लिखना भी है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम करते हैं बात पाठ की। पहला है बताओ क्या पढ़ा। ये कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। लेखक के अनुसार आदमी कितने प्रकार के होते हैं। लेखक के अनुसार आदमी तीन प्रकार के होते हैं। घर की औरतें क्यों परेशान हैं। लेखक के होने के कारण उनका स्वतंत्रता से बाहर निकलना बंद है, इसीलिए घर की औरतें परेशान हैं। लेखक दूसरे दिन कितने बजे पहुंचते हैं। 8 बजे। हरिशंकर परसाई जी का लेख आपको कैसा लगा। व्यंग्यात्मक, उसमें व्यंग था, और हास्यप्रद, उसमें उसे पढ़कर हमें हंसी भी आ रही थी। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई जी का लेख हमें हास्यपूर्ण और व्यंग्य से भरा हुआ लगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें नंबर 2 एक्सरसाइज जो दी हुई है, नंबर 2 जो हमारा अभ्यास है वो है कलम से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। लेखक के अनुसार आदमी हैं कितने प्रकार के। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 7 प्रकार के। जी सही बोला आपने, 3 प्रकार के।
मुट्ठी भर जीवधारी मिलते हैं, जो समय पर घर पर मिलते हैं, जो समय पर दूसरों के घर जाते हैं, नंबर एक और नंबर दो दोनों, या दो जो घर पर नहीं मिलते। अब लेखक के अनुसार आदमी तीन प्रकार के होते हैं। उसके बाद मुट्ठी भर जीवधारी उन्होंने बताए थे, जो समय पर घर पर भी मिलते हैं और जो समय पर दूसरों के घर जाते हैं। इसका मतलब नंबर एक और नंबर दो दोनों। तो हमारा ये जो तीसरा वाला विकल्प है ये सही है। पाठ में किसका महत्व दर्शाया गया है? समय का। और पाठ के लेखक क्या क्या नाम है? हरिशंकर परसाई। तो चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिनको हमें भरना है। हम डैश कम करने के लिए बात करते हैं। क्या कम करने के लिए? तनाव। हम तनाव कम करने के लिए बात करते हैं। बुजुर्ग के सामने बचकानी बकबक कर रहे हैं। डैश हम देखने लगते हैं अखबार। लगभग सारा परिवार खिड़की और दरवाजे पर है। आशय स्पष्ट करो। इस बार आत्मा ने मनुष्य का चोला ले लिया है, अगली बार वह मेंढक का चोला भी ले सकती है। तब मेंढक के रूप में हम वे काम पूरे कर लेंगे जो आदमी के रूप में नहीं कर पाए। इस वाक्य में लेखक हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग समय की कद्र नहीं करते, अपना वे दूसरों का समय बर्बाद करते हैं, शायद वो ये सोचते हैं कि हम करोड़ों साल तक जीवित रहने वाले हैं, क्योंकि आत्मा तो अमर है। आज भले ही हम मनुष्य के रूप में हैं, हो सकता है आने वाले जन्म में हमें मेंढक का जन्म मिल जाए, लेकिन उन्हें इस बात का कोई डर नहीं है कि उनके कुछ कार्य अपूर्ण रह जाएंगे। समय की कद्र न करने के कारण वे सोचते हैं कोई बात नहीं, जो कार्य इस जन्म में अपूर्ण रह जाएंगे वो चाहे हम मेंढक का चोला भी ले लें, चाहे हमें मेंढक के रूप में भी जन्म मिल जाए, तब हम उन्हें पूरा कर लेंगे, क्योंकि उनकी आदत ही नहीं है कि वे किसी कार्य को समय पर पूर्ण कर पाएं। तो यहाँ पर लेखक यही आशय स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिन्हें अपने कार्य को समय पर पूर्ण करने की आदत नहीं है या समय की कद्र नहीं है, वे इस चीज़ से भी नहीं डरते हैं कि उनका कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं। वे सोचते हैं कि अगर हम इस जन्म में उसे पूरा नहीं कर पाए तो हम उसे आने वाले जन्मों में कर लेंगे। चलिए नंबर 5 पर है, वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। आदमी 4 प्रकार के होते हैं? नहीं, आदमी 3 प्रकार के होते हैं। बड़ा लड़का छोटे लड़के के अनुचित शब्दों के बोलने पर उसे डांटता था। हाँ, वो डांट रहा था। लेखक के जाते समय सारा परिवार उन्हें खिड़की और दरवाजे से देखता है। प्रेम का ज्ञान इंतजार के समय से होता है। प्रस्तुत पाठ के लेखक रघुनंदन जी हैं? नहीं। कौन है लेखक? हरिशंकर परसाई। तो अब बच्चों आप इस लेख को दोबारा से पढ़ेंगे और अच्छे से समय के महत्व को समझेंगे। आभार। मिलते हैं अगले पाठ में।